ओके सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट द लिंक लिस्ट। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा टिपिकल था आई नो, ठीक है, पर एक बार दो बार उसको थोड़ा सा समझिए, कोड लिख के देखिए, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस, राइट। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मैंने आपको बोला है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज करिए, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे और वी कैन आंसर अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट। तो लिस्ट तो हमारी क्रिएट हो गई, बट लिस्ट मेमोरी में बनी नहीं बनी, किस तरीके से बनेगी, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उस लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करके देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेनू के नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज व्हाट डिस्प्ले। वो मेनू में कहीं भी लिखा हो, है ना, वो हो सकता है मेनू में हमने नीचे चॉइस दिया हो, पहले इंसर्ट लिखा हो, डिस्प्ले हमने बाद में लिखा हो, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि आप एक एक करके मेनू भी रन करके देख सकते हैं। पहले क्रिएट और डिस्प्ले को चला के देखिए। तो डिस्प्ले फंक्शन अगर आपका प्रॉपर लिंक लिस्ट के एलिमेंट अगर डिस्प्ले करता है, दैट मीन्स हम श्योर हो जाएंगे कि हमारी लिस्ट प्रॉपरली क्रिएट हुई है। ओके सो लेट स्टार्ट विद द डिस्प्ले फंक्शन। सो क्या करना है आपको, पूरा कोड एज इट इज चल रहा है अपना, केवल आपको नए फंक्शन का ऑप्शन देना है। जहां आपका क्रिएट फंक्शन फिनिश हो रहा है, ठीक, उसके नीचे हमें नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करना है, एंड दैट इज व्हाट डिस्प्ले। तो ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा, हाउ टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ लिस्ट। तो हम ये मान मान रहे हैं कि हमारी ये लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, दिस इज व्हाट द लिस्ट वी हैव। ओके ये हमारी लिस्ट है, सपोज द एलिमेंट वी हैव 10, 20, 30, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले रहा हूँ, सपोज वी हैव 40, ओके एंड दिस इज व्हाट द एड्रेस 11102, सपोज यहाँ पर हमारा पॉइंटर है स्टार्ट, देन आफ्टर वी हैव 1096 विच इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंटर, ये पॉइंट ऐड है, ये डेटा है। पहले वाले नोड पे मैं दोनों मेंशन कर रहा हूँ, रिमेनिंग आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, डेटा एड्रेस हमारे पास हर नोड में होगा। ओके दिस एड्रेस सपोज 2019, दिस एड्रेस सपोज 2169, दिस आर द डमी एड्रेस एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो 2169, दिस वन इज 2019, ओके सो ये हमारा लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, एंड एज पर द डेफिनेशन जैसे हम लोगों ने बात की है, फर्स्ट नोड इज ऑलवेज एट स्टार्ट पोजिशन एंड द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड इज नल। तो अब मुझे इस लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, ओके लेकिन सी मेनू की जो चॉइस है वो यूजर की है, वो मे बी पॉसिबल वो क्रिएट के पहले डिस्प्ले बोल देगा, मतलब उसने मेनू देखा और मेनू देख के उसने बोल दिया डिस्प्ले। तो अभी तो आपने लिस्ट क्रिएट ही नहीं करी है ना, तो यदि यूजर डिस्प्ले को विदाउट क्रिएशन ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो बाकायदा मैसेज आना चाहिए लिस्ट नॉट एग्जिस्ट या लिस्ट नॉट क्रिएटेड। ओके तो ये कैसे चेक करेंगे हम कि हमारी लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सो इफ यू गाइज रिमेंबर, जब हमने स्टार्ट को डिक्लेयर किया था स्टार्टिंग में, है ना, तो हमने स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू क्या रखी थी, नल, द इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टार्ट इज नल। लेकिन जैसे ही हमारा पहला नोड क्रिएट हुआ, इस स्टार्ट के पास एड्रेस आ गया 1002 विच इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, राइट। तो डिस्प्ले में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमारा जो स्टार्ट है अगर वो नल पे है ना, अगर हमारा स्टार्ट नल पे है दैट मीन्स हमारी लिस्ट क्रिएट ही नहीं हुई है, क्योंकि अगर लिस्ट क्रिएट हुई है तो हमारा स्टार्ट जो है वो फर्स्ट नोड के एड्रेस पे होगा। तो चेक कैसे किया हमने, सिंपली इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल। अरे ओवरफ्लो की कंडीशन चेक नहीं होगी लिस्ट ले, लेकिन एम्प्टी की तो होगी ना, लिस्ट है ही नहीं तो एलिमेंट डिस्प्ले किसके करेंगे हम। ओके तो हमने क्या चेक किया, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल प्रिंट एफ लिस्ट नॉट फाउंड। आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं एज यू विश, राइट, लिस्ट नॉट फाउंड, लिस्ट नॉट क्रिएटेड, लिस्ट नॉट एग्जिस्ट, वॉट एवर, लिस्ट नॉट फाउंड। लेकिन अगर लिस्ट है, और ये ध्यान रखिए हमेशा जब भी आप नया फंक्शन बना रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेरा केवल एक पॉइंटर है स्टार्ट, बाकी न्यू वन, टैम्प, ये सब अब हम लिस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे फिलहाल। केवल एक पॉइंटर है आपके पास स्टार्ट, और वो भी फर्स्ट नोड पे, रिमेनिंग वी डोंट हैव एनी नोड, वो है नहीं है हमें नहीं पता। ओके हमें तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पहले पोजिशन पे जो पॉइंटर है वो स्टार्ट है और ये लिस्ट हमारी क्रिएटेड, लास्ट नोड का एड्रेस नल है। ओके तो अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट से लेके उस नोड तक के डेटा पार्ट को यूजर को शो करना है, क्योंकि एड्रेस यूजर को नहीं दिखाना हमें, यूजर ने दिया है डेटा तो वो डिस्प्ले भी क्या चाहेगा, डेटा। तो मुझे उस नोड से शुरू करना है जिसका नाम स्टार्ट है, और उस नोड के, और कब तक चलना है, जब तक नल ना आ जाए,
है ना, ध्यान से सुनना. ओके, तो हमने क्या किया, फिर से टेम्पररी पॉइंटर लिया एंड असाइन कर दिया कहां पे, स्टार्ट. हमने क्या लिखा, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, मतलब जहां आपका स्टार्ट है वहां पर कौन असाइन हो गया, टेम्प. तो ये टेम्प हमारा यहां पर आ गया. ओके, अब हमने क्या लूप लगाया, इसको ध्यान से समझना, जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, जब तक टेम्प में नल ना आ जाए, है ना, ये ध्यान रखना, जब तक टेम्प में नल ना आ जाए मुझे टेम्प को मूव करते जाना है और डेटा डिस्प्ले करते जाना है. ओके, तो हमने क्या लिखा, जब तक टेम्प में नल ना आ जाए, प्रिंटएफ स्लैशन आप चाहे तो लगाएं, अदरवाइज स्लैश टी को भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज डी, और क्या डिस्प्ले कर दिया, टेम्प का डेटा. हमने क्या लिखा, प्रिंटएफ परसेंटेज डी कॉमा टेम्प ऑफ डेटा. जब तक ये लूप चलेगा, जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, टेम्प का डेटा हमने प्रिंट किया, तो फर्स्ट टाइम टेम्प अभी कहां पर है, स्टार्ट में, टेम्प में है 1002 विच इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, प्रिंट हो गया 10, तो आपका पहला एलिमेंट प्रिंट हो गया 10. अब मुझे टेम्प को आगे मूव करना है, तो हमने क्रिएशन के टाइम देखा था, पॉइंटर को नेक्स्ट पॉइंटर, सॉरी नेक्स्ट नोड पे कैसे लेके जाएंगे हम, तो हमने सिंपली क्या लिखा, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ एड, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ एड, मतलब जो टेम्प के एड्रेस के पास है वो टेम्प में आ गया. तो टेम्प के एड्रेस के पास क्या है, 1096, तो टेम्प के पास क्या आ गया, टेम्प के पास आ गया 1096, तो आपका टेम्प जो है वो इस नोड पे आ गया. अभी भी टेम्प में नल नहीं है, टेम्प में है 1096, राइट, 1096 नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, प्रिंट टेम्प ऑफ डेटा, तो क्या प्रिंट हो गया, नेक्स्ट डेटा इज 20. अगेन टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एड, अब की बार टेम्प कौन सी पोजिशन पे आया, 2196, ये आपका टेम्प 2196 पे. ओके, तो अब टेम्प की वैल्यू है 2196, अगेन विच इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, प्रिंट टेम्प ऑफ डेटा, है ना, ध्यान से देखना इसको. तो अगला डेटा क्या प्रिंट हुआ आपका, टेम्प, सॉरी 30. अब ध्यान से सुनना, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एड, टेम्प कहां पर आया, अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, राइट, टेम्प आया इस पोजिशन पर, तो आप मुझे बताएं ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या लगता है, इट इज स्टिल फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प में क्या है, अभी टेम्प में 2019 है, नल किसके पास है, टेम्प के एड्रेस के पास. देखो आप इन दोनों में डिफरेंस समझना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्प एंड टेम्प ऑफ एड, अभी टेम्प में है 2019, टेम्प के एड्रेस में है नल, हमने जो कंडीशन लगाई है वो टेम्प को लेके लगाई है, हमने क्या बोला, जब तक टेम्प में नल ना आ जाए, हमें टेम्प के एड्रेस से मतलब नहीं है, अभी अगर टेम्प में अभी भी नल नहीं है, टेम्प में अभी क्या है 2019, नल जो है वो टेम्प के एड्रेस के पास है, जो अभी उसके पास नेक्स्ट टाइम आएगा, टेम्प में क्या है अभी 2019, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, टेम्प में अभी 2019 है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, दैट इज ट्रू, प्रिंट एफ परसेंटेज डी टेम्प ऑफ डेटा, तो टेम्प ऑफ डेटा क्या प्रिंट हुआ, 40. अब देखो आप, टेम्प में आ गया टेम्प का एड्रेस, तो अब की बार टेम्प का एड्रेस क्या है, नल. ओके, अब की बार टेम्प का एड्रेस है नल, तो अब टेम्प का एड्रेस जो है वो अब टेम्प को मिला, तो अब टेम्प में क्या आया, अब आया टेम्प में नल. अब जब टेम्प में नल आया तो लूप फिर से चेक करेगा, तो अब की बार टेम्प की वैल्यू है नल, नल नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स. जब ये फॉल्स हुआ तो आपका ये पूरा लूप कंप्लीट, और जब लूप कंप्लीट हुआ और ये फंक्शन, तब तक आपके सारे एलिमेंट आपको सामने प्रिंट होके मिल जाएंगे, राइट. तो ये जितने भी लिस्ट होगी, क्योंकि आप पता है हमने कहां से स्टार्ट किया है, टेम्प से, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, कब तक लूप लगाया, जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, तो टेम्प को हमने स्टार्ट में रखा. टेम्प, हम ध्यान से सुनना, हम टेम्प के एड्रेस को चेक नहीं कर रहे हैं, हम टेम्प को चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये टेम्प के एड्रेस की वैल्यू है और ये टेम्प की वैल्यू है, तो फर्स्ट टाइम टेम्प आप पे यहां पर है. तो हमने क्या चेक किया, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, 1002 नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, टेम्प का डेटा कितना, 10, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ एड, टेम्प उठ के यहां पर आ गया, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ट्रू,
temp not equal to null, true. 1096 temp का डेटा विच इज 20, देन temp यहां पर आया, temp not equal to null, true. temp का डेटा 30, देन temp उठ के आगे मूव हुआ, temp यहां पर आया, temp not equal to null, true. बिकॉज temp की वैल्यू है 2019 विच इज नॉट इक्वल टू null, true. temp का डेटा प्रिंट हुआ, temp equal to temp of address. अब temp में आया temp का एड्रेस जो कि null है, तो temp में आ गया null और loop complete. So this is how to display the element of linked list. कि एक linked list के element को हम display कैसे करेंगे. तो जैसे मैंने आपको last time भी बोला था कि सबसे पहले आप एक create का function बनाएं, menu में दो ही option रखें, create and display. पहले एक बार ये confirm कर लें आपकी list proper create हुई है, और वो create हुई या नहीं हुई ये आपको तब पता चलेगा जब create के बाद आप display के function को execute करेंगे. तो जब आप display function को execute करेंगे, so you'll see that आपके सारे element अगर list के print हो रहे हैं, तब हम ये assure हो जाएंगे कि हमारी list properly create हो चुकी है. Otherwise क्या होगा, यदि आप सारे function एक साथ लिख देंगे, insert, be, delete, पता चला list creation में ही कोई issue आ गया. तो इसीलिए पहले हम स्टार्टिंग या स्टेप्स इस तरीके से लेते हैं कि सबसे पहले हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, एक बार उसको डिस्प्ले कर लें. अब अगर ये दोनों फंक्शन हमारे प्रॉपर चल रहे हैं, तो फिर हम इंसर्ट की बात करेंगे, डिलीट की बात करेंगे, अपडेट सॉरी सर्चिंग सॉर्टिंग की बात करेंगे. सो दिस इज द दिस टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, इंटरव्यूज में वो इंसर्ट ऑन मिडिल के भी कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और पूछते ही है, ठीक है. मतलब लिंक लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरव्यू रूम, तो इसलिए इसके एक एक फंक्शन को आप ध्यान से समझना. तो ये अभी हमने देखा हाउ टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, कि एक लिस्ट के एलिमेंट को हम डिस्प्ले किस तरीके से करेंगे. ओके, तो ये क्रिएशन हमने देखा, और ये हमने देखा हाउ टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ लिस्ट. ओके, तो पहले आप ये दो फंक्शन एग्जीक्यूट करके देखें, दिस इज वॉट डिस्प्ले फंक्शन, एंड देन विल डिस्कस द नेक्स्ट वन. थैंक यू.